हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे, अपने घर पे होंगे और खूब मन लगा के पढ़ाई कर रहे होंगे। वेलकम बैक टू बायोलॉजी बाय नेहा भिनवाल। और आज की वीडियो में मैं आप सबके लिए एक इंटरेस्टिंग सा पॉइंट लेके आई हूँ। हो सकता है बहुत से लोगों को ये पहले से पता हो और हो सकता है बहुत से लोगों को ये पता नहीं हो। सो वीडियो स्टार्ट करते हैं। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले, अगर आप लोगों ने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है सो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साइड में जो बेल आइकन है उसको भी प्रेस कीजिए ताकि आगे आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। और मैं अपने चैनल पे वीडियोस लेके आते रहती हूँ रिलेटेड टू बायोलॉजी। आप 9th, 10th, 11th, 12th ग्रेजुएशन लेवल या फिर मास्टर्स लेवल या फिर कोई कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं रिलेटेड टू बायोलॉजी, इन सब में से किसी कोई क्लास के अगर आप स्टूडेंट हैं तो डेफिनेटली ये चैनल आप लोगों के लिए ही है। आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और वीडियोस को देख सकते हैं, उनसे सीख सकते हैं और मुझे भी सिखा सकते हैं। सो स्टार्ट करते हैं वीडियो को। जो आज मेरा इंटरेस्टिंग सा पॉइंट है जो मुझे लगा मुझे इस पे वीडियो बनानी चाहिए वो ये है, क्या आप लोगों को पता है कि हमारी बॉडी में कौन सी सेल ऑर्गेनली ऐसी है जिसमें हाईएस्ट कंसेंट्रेशन ऑफ कैल्शियम प्रेजेंट होता है? राइट, नेम द सेल ऑर्गेनलीज इन विच द हाईएस्ट कैल्शियम कंसेंट्रेशन इज प्रेजेंट। ऐसी कौन सी सेल ऑर्गेनली है जिसमें कैल्शियम का कंसेंट्रेशन बहुत ज्यादा होता है या फिर वो अपने अंदर कैल्शियम को स्टोर करके रखती है ताकि बॉडी को जब भी नीड हो वहां से कैल्शियम का रिलीज हो सके। सो इसका आंसर है, जो ऐसी जो सेल ऑर्गेनली है जो कैल्शियम को अपने अंदर स्टोर करके रखती है वो है SER, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम एक ऐसी सेल ऑर्गेनली है जो अपने अंदर कैल्शियम को स्टोर करके रखती है जिसके अंदर कैल्शियम का कंसेंट्रेशन बहुत ज्यादा अमाउंट में हमें देखने को मिलता है। सो अगर आप लोगों को इसका जवाब पहले से पता था तो कोई बात नहीं, अगर पता नहीं था तो आप लोग मुझे नीचे कमेंट कर सकते हैं। अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अपने फ्रेंड्स के साथ, कमेंट कीजिए आपको वीडियो कैसी लगी। मिलती हूँ मैं आपको अपनी नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ, एक नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो।